दूर दराज स्थित ग्रामीण इलाकों में पुलिस के सामाजिक सरोकार के काम की तारीफ हो रही है। नक्सल प्रभावित इस जिले के 5 गांव शौरू और बंदुकुदरा, झुरकी, दादर, पंडरी, पथरा, बुकरखार में प्राइमरी जो स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से गांव के बच्चों की पढ़ाई छूट गई थी। अब पुलिस महकमे ने इस स्कूलों को चलाने का जिम्मा ले लिया है अपने हाथों और सभी 5 गांव में प्राइमरी स्कूल शुरू करने के साथ ही गांव और आसपास के पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को यहां पर टीचर की जॉब भी दे दी। साथ ही छात्रों को मध्यान्ह भोजन के अलावा पुस्तक, स्कूल यूनिफॉर्म भी निःशुल्क दी जा रही है। पुलिस का जो ये सहयोग है उसकी पूरे जिले में सराहना हो रही है। पुलिस के द्वारा जो वनांचल क्षेत्र है उसमें लगातार कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत में कई गतिविधियां संचालित की जा रही, जिसमें एक ये भी है जहां स्कूल युक्ति उत्कर्ण के तहत में बंद हो गए थे और वहां से जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे, मिडिल स्कूल के बच्चे थे, उनको दूसरे जो स्कूल जाना था तो उसमें बरसात के दिनों में नहीं जा पाते थे या आने जाने में बहुत असुविधा होती थी, स्कूल छोड़ चुके थे, तो उन बच्चों को फिर से पढ़ाए जाने के उद्देश्य से कुछ गांव में जो स्कूल बंद हो गए थे तो उनको पुनः संचालित किया। और हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं प्रदीप गुप्ता। प्रदीप, जिस तरह से पुलिस का एक अलग ही चेहरा लोगों की नजर में होता है, एक अलग ही छवि होती है, डरते हैं लोग पुलिस के पास जाने से और पुलिस के साथ ही साथ उनके व्यवहार से कि कहीं कुछ हो ना जाए, मतलब एक दूरी बनाए रखते हैं और एक चेहरा भी धुंधला सा नजर आता है पुलिस विभाग का, जो अक्सर वो अपनी छवि सुधारने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन यहां पर एक अलग ही पहल, एक अलग ही कोशिश यहां पर पुलिस विभाग के द्वारा की गई है जो वाकई सराहनीय है। देखिए दीपक, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि पुलिस लगातार जो है विवादों में रहती है, लेकिन अब पुलिस जो है लोगों से जुड़ने के लिए अनेकों प्रकार की जो है कार्यक्रम करा रहे हैं या एक ऐसे अभी ये वाली जो पहल से, अनोखी पहल से जो है लोगों में काफी चर्चा में पुलिस बने हुए हैं। देखिए जिले के वनांचल जो क्षेत्र है, 5 ऐसे गाँव है, वहाँ अपने स्कूल चला रहे हैं। बाकायदा इस स्कूल में जो बैगा आदिवासी जो बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं उनके लिए बाकायदा फ्री में बिल्कुल निःशुल्क जो है सुविधा दी जा रही है। यहाँ ड्रेस, खाना और ये तमाम प्रकार के जो है सुविधा दी जा रही है। बिल्कुल, जिस तरह प्रदीप जो ये पूरा खर्चा उठाया जा रहा है वो क्या वो अपनी सैलरी में से कुछ कुछ दान करके या फिर बीड़ा उठा रहे हैं ये फिर प्रशासन का माध्यम के तहत ही वो ये सब कुछ संचालित कर रहे हैं? देखिए दरअसल क्या है कि इस क्षेत्र में जहाँ जिस क्षेत्र में स्कूल जो पहले खुले हुए, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ एसपी भी जुड़ गए हैं डॉक्टर लाल उमेद सिंह। स्वराज एक्सप्रेस सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक अच्छी पहल जहां लोगों को एक पुलिस की एक छवि सुधारने के लिए अभियान चलाने पड़ते हैं कि पुलिस की छवि अच्छी बने, और ऐसे में आपके द्वारा, आपके डिपार्टमेंट के द्वारा जो एक यहाँ पर पहल की गई है, ना बच्चे सिर्फ भविष्य में वो आगे बढ़ेंगे आप ही की तरह बल्कि एसपी भी बनेंगे, हो सकता है उनमें से कुछ बच्चे, और साथ ही साथ वहां के जो बेरोजगार हैं युवक उन्हें भी आपने रोजगार दिया है। कैसे ये दिमाग में आया और इसका बीड़ा यानी कि खर्चा किस तरीके से उठाया जा रहा, वहन किया जा रहा है? नहीं, इसमें वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार बातें होती रही हमारी, तो उसमें इनका चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है, इस क्षेत्र में हम लोगों का नक्सल में सामुदायिक पुलिसिंग का एक दायित्व रहता है। इसके तहत में जब गांव की भ्रमण करते हैं तो कई गांव ऐसे जो मिले जहां पर बेसिक समस्याएं थी, विशेष करके स्कूलिंग से संबंधित, तो हम लोगों ने तभी छाना कि इनको शिक्षा से जोड़ा जाए। और वैसे स्कूलों का हम लोगों के द्वारा चयन किया गया जहां के स्कूल किन्हीं न किन्हीं कारणों से बंद हो चुके थे और वहां के बच्चे शिक्षा से दूर हो रहे थे, तो ऐसे ही 5-6 गाँव को हम लोगों के लिए द्वारा चयनित किया गया और उसी के माध्यम से उन स्कूलों को पुनर्जीवित किया गया और वहाँ स्कूल प्रारंभ किया गया। शुरुआती जरूर हम लोगों को थोड़ी सी परेशानी हुई उसको प्रारंभ करने पर, जैसे हम लोग प्रारंभ हुई तो गांव वालों ने हम लोगों को भरपूर सहयोग दिया और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहाँ भेजना शुरू किए और वहाँ फिर हम लोगों के द्वारा स्थायी तौर पर अच्छे टीचर की नियुक्ति की गई। टीचर लगातार उसमें भी वर्तमान में पढ़ा रहे हैं और ऐसे ही लगभग 5 से 6 गांव में हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से स्कूल प्रारंभ की गई। बाद में उसको मध्याह्न भोजन कोई योजना है उससे जोड़ दिया गया, तो वहाँ वर्तमान में स्कूली शिक्षा बहुत अच्छे से हो रही है, उनके पाठ्य पुस्तक और ड्रेस सब हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। अस्थायी शिक्षकों को हम लोगों के माध्यम से, पुलिस विभाग के माध्यम से उसको
वेतन दिया जाता है, मानदेय के रूप में दिया जाता है जी। और वहाँ से बच्चे जो प्राइमरी पढ़ करके पास हो जा रहे हैं उनको कबीरधाम मुख्यालय में ला करके यहाँ जो आश्रम है, आदिवासी छात्रावास है, उन आश्रम में उनको दाखिला दिलाया जा रहा है ताकि वो लोग छठवीं से अपना कंटिन्यू स्कूल कर पा रहे हैं। बिल्कुल। इस तरह से कुछ वनांचल इलाके में कुछ दसवीं छोड़े हुए बच्चे, बारहवीं छोड़े हुए बच्चे हैं, उनको हम लोग चयनित कर करके उनको ओपन की एग्जाम दिला रहे हैं। बिल्कुल। ओपन के एग्जाम दिलाने में जो आवश्यक फीस के उपलब्ध कराया जाता है तो उसको फीस हम लोग देते हैं, उनको पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराते हैं, वहाँ भी कोचिंग के लिए टीचर नियुक्त किए गए हैं मानदेय के माध्यम से, वो लोग लगातार उनको पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। के दिनों में वहाँ कहा जा सकता है सर कि जिस तरीके से लाल सराम और हताशा और निराशा के अंधेरे में आपने शिक्षा की ये ज्योत जलाई है, स्वराज एक्सप्रेस भी इस मुहिम को, इस पहल को शुभकामनाएं देता है और सराहता है कि आपने ये पहल शुरू की जिससे उन बच्चों का भविष्य भी सुधरेगा। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ हमारे प्रदीप गुप्ता संवाददाता भी बने थे। प्रदीप, आपका भी तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। एक्सप्रेस स्पेशल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।